अब समझ में आया कि अविनाश भैया लंदन से वापस क्यों नहीं आना चाहते थे। अविनाश का बच्चा है ना, ये चाहे लालपुर में रहे या लंदन में, ये नहीं सुधरने वाला। भैया बस हमें ना किसी तरह ये बात भाभी से छुपा कर रखनी होगी। मुझे लगता है हम इस बच्चे को कहीं बाहर ले जाते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, भाभी को पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। आप सब लोग जिस बात से दुखी हो रहे वो बात मुझे पता है। आप लोगों को दुख ना हो इसलिए मैंने ये बात छिपाई। मुझे दुख ना हो इसलिए अब आप मुझसे छुपा रहे। कोई बात नहीं, मैं ही अनजान बन जाती। अरे आप लोग, आप सब लोग यहाँ इकट्ठे क्या कर रहे हैं? इकट्ठे हो क्या? हाँ हाँ, तो क्या है ना कि हम बड़ी विनोद प्रियता के साथ बड़ी गंभीर किस्म की मंत्रणा में व्यस्त। हाँ हाँ हाँ, वो पापा जी जो है ना, अमा अंकल जी, वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस सुना रहे थे हमको। क्यों सुनिया? अरे बड़े हाँ, और अंकल जी आज पहली बार हमें अपने फालतू जोक नहीं सुनाकर अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। हाँ अच्छा पापा, मुझे भी बताइए ना आपके लाइफ के एक्सपीरियंस, मैं भी सीखूंगी। अरे बेटा, आज इन लोगों को मौका मिला है तो इन लोगों को लाइफ एक्सपीरियंस सुन लेने दो। तुमको तो मैं सुनाते रहता हूँ। और फिर जहाँ तक लाइफ एक्सपीरियंस का सवाल है बेटा, तुम तो खुद ही मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस हो। अच्छा बेटा, एक काम करो, जरा बेटा वो अदरक वाली चाय बना ला, बड़ी खांसी आ रही मेरा। अभी लाती हूँ, अभी लाती हूँ। कुछ कहा? नहीं नहीं, वो अदरक वाली चाय। और शक्कर कम डालना बेटा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये बच्चा अभी भैया का है। भैया हमें जल्दी से जल्दी इसे बाहर ले जाना चाहिए। समधन जी, आप आप यहाँ? और ये बच्चा कौन है? क्या है ना समधन जी कि बचपन में मुझे कभी बच्चों की तरह खेलने का मौका ही नहीं मिला, तो जब मैं कोई बच्चा देखता हूँ ना तो मेरा ही मन करता है कि मैं उनके साथ बच्चा बनकर उनके साथ खेलने लगूं। बस ये समझ जी, आपकी वैसे भी कोई हरकत बड़ों वाली नहीं है, आप हमेशा बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। इसके माँ बाप कौन है? पता नहीं। पता नहीं? आपको पता नहीं कि इसके माँ बाप कौन है? आप इसके साथ खेलने लगे? जाइए इसे अपने माँ बाप के पास छोड़ कर आइए। ठीक है, अभी इसके माँ बाप ढूंढ लेता हूँ। ढूंढ लेता हूँ? बेटा तुम्हारे पापा का नाम क्या है? अरे समझेंगे नाम में क्या रखा है, अगर इसके पापा का नाम गब्बर सिंह भी होता तो क्या हम इसको यहाँ छोड़ के चले जाते? नहीं नहीं, हम इसको इसके घर छोड़ कर आएंगे। चलो बेटा घर चलो। सासुमा मुझे पता है इसके मम्मी पापा कौन है। कौन है? अविनाश भैया ही इसके पापा है। मगर ये आया कैसे? सासुमा हो सकता है इसकी माँ इसे यहाँ छोड़कर गई होगी। कि अविनाश अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, आज तो उसकी खैर नहीं है। समझे जी, चलिए घर चलिए और इस बच्चे को भी साथ में लेकर आइए। मनु मनु मनु, अच्छा तो आप है मनु की माँ? हाँ, नहीं तो क्या, आप है मनु की माँ? अरे जी, मैं क्यों होने लगी मनु की माँ? लेकिन एक बात है, आपके बेटे ने यहाँ आकर ना उसके पिता का सारा भांडा फोड़ दिया। भांडा? कैसा भांडा, किसका भांडा? वो जाने दीजिए, लेकिन आप ये बताइए कि आप A-V-I-N-A-S-H की क्या लगती है? अविनाश, मैं अविनाश की पत्नी हूँ।
आपको क्या कोई प्रॉब्लम है? तो उन्होंने चुपके से शादी भी कर ली? हेलो, अविनाश ने कोई चुपके से शादी नहीं की। मेहमानों के अलावा हमारी शादी में सब मौजूद थे। और वो मेरे होते हुए दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? दूसरी शादी क्या मतलब? शायद तुम्हें पता नहीं, मैं उनकी पहली पत्नी हूँ। अविनाश की पहली पत्नी मैं हूँ, पर मनु यहाँ पर मिला है तो शायद अविनाश से तुम्हारा कोई रिश्ता हो। कहीं तुम उसकी दूसरी पत्नी तो नहीं हो? दूसरी पत्नी? कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं पहली पत्नी हूँ उनकी, और उस बात का ना सारे सबूत भी है मेरे पास, पंडित, फोटो, रिश्तेदार, सब कुछ। हाँ, मेरे पास भी मैरिज की पूरी डीवीडी है, मैरिज सर्टिफिकेट है, और रिसेप्शन के सारे फोटोग्राफ्स भी है। तुम्हारे वो सारे सबूत ना नकली होंगे? हाँ, तुम्हारी तो पूरी शादी ही नकली लगती है। देखो, मेरे पति ना सिर्फ मेरे है। मैं तुमसे कह रही हूँ तुम उन्हें छोड़ दो, तलाक दे दो उन्हें, तलाक। हेलो, मैं हिंदी फिल्म की हीरोइन नहीं हूँ जो अपने साजन का हाथ तुम्हारे हाथ में दूँ। अगर डिवोर्स देना तो तुम दो। वो मुझे कभी नहीं छोड़ सकते, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकती। मैं उन्हें फोन लगा के ना अभी दूध का दूध और पानी का पानी करती हूँ। रुको तुम। अच्छा, मैं भी फोन लगाती हूँ। हेलो अविनाश, तुम कहाँ हो? अरे ये क्या सब चक्कर चल रहा है? यहाँ कोई औरत तुम्हें अपनी पहली पत्नी बता रही है? सीमा, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी तुम्हारे अलावा कोई दूसरी पत्नी नहीं है, और हाँ, मुझे अपनी गलतियाँ दोहराने की आदत भी नहीं है। क्या कहा तुमने? मैंने फोन लगाया तो नहीं लगा, लेकिन इसका फोन तो तुरंत लग गया। हाँ, बेवकूफ है तू सावित्री, इसके लिए जरूर इन्होंने ना दूसरा मोबाइल ले रखा होगा। आ रहे अविनाश, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बेटा, तुमसे कुछ कहना है? मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है सासू माँ, मुझे सब पता चल गया है। बस मैं उनकी हर गलती माफ करने के लिए तैयार हूँ। आप इससे कह दीजिए कि ये उन्हें छोड़कर चली जाए। मैं अभी की माँ हूँ। आप अभी की माँ हैं? यानी कि अभी तक अभी मुझसे अपने नकली माँ बाप की सेवा करवा रहा था? अविनाश, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सुना सासू माँ, सुना? अभी भैया के नकली माँ बाप भी हैं। दरअसल सावित्री की शादी अभी से 10 साल पहले हुई थी। मेरी अभी से 13 साल पहले शादी हुई है। So sorry, बेटा अभी ने हमसे अपनी 13 साल पुरानी शादी छुपा के रखी। तुम उसकी दूसरी बीवी हो। मैं उनकी बीवी नंबर वन हूँ। सावित्री, शायद तुम्हें गिनती नहीं आती है। कोई बताओ इसे कि 13 साल वाली बीवी नंबर वन होती है या 10 साल वाली? 13 साल वाली। हम लोग सावित्री की साइड में। हाँ, हम सावित्री का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। मैं साबित कर दूंगी कि अविनाश की पहली पत्नी मैं ही हूँ। भैया ने बताया। अरे हेलो, क्या हो रहा है? मम्मी जी प्रणाम। मत छू मेरे पैर। हाय, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। देखा सास माँ, सीमा की कही हुई हर एक बात सही है। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। भाभी, एक मिनट भाभी। भैया, ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है ना? अरे क्या अच्छा नहीं किया मैंने? क्या अच्छा नहीं किया? अभी मैं समझा, वो पिल्लू वाली बात बताना भूल गया था तुझे। खबरदार, जो अपनी औलाद को पिल्ला कहा तो। अगर तुम्हारी औलाद पिल्ला है तो तुम खुद क्या हुए? जो भी है, अभी भैया गलत बात, चाहे सावित्री भाभी अच्छी है या बुरी है, लेकिन है तो आपकी पत्नी ना। अरे वाह, 4 दिन हिंदुस्तान छोड़कर विलायत कर रहे हैं कि अपने सारे संस्कार भूल गए? और पापा जी क्या बोल? अभी सीमा, तुम दोनों अभी इसी वक्त घर छोड़कर चले जाओ।
काना फूसी प्रस्तुत